नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। भारतीय एयरलाइंस एयर इंडिया ने भारतीय प्रवासियों के लिए दो ताजा तरीन अपडेट जारी किया है। सबसे पहले, यदि कोई भारतीय कुवैत की यात्रा कर रहे हैं 17 जनवरी के बाद, यदि आप कुवैत जा रहे हैं तो आपको 72 घंटे के अंदर PCR टेस्ट करा करके ही अपनी फ्लाइट पकड़नी है। दूसरी अपडेट आ रही है, यदि कोई व्यक्ति दोहा जा रहे हैं तो उनकी उम्र 55 साल या 55 साल से एबव है, ज़्यादा है, तो उनको होटल क्वारंटीन रखने की जो नियम है उससे छूट दिया गया है दोहा गवर्नमेंट की तरफ से। उनको 7 दिन केवल होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये बुजुर्ग लोगों के लिए एक छूट दिया गया है दोहा गवर्नमेंट की तरफ से। शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सचिव डॉक्टर अब्दुल खासिम अबू सैदी ने बताया कि मिश्रित शिक्षा प्रणाली हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं और जैसे ही महामारी का स्थिति का हमें मिलता है कि कैसे महामारी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसी हिसाब से हम इसमें बदलाव भी करेंगे। बच्चों की शिक्षा के ऊपर कोई असर नहीं आने दिया जाएगा। जो मेन सब्जेक्ट हैं वो स्कूलों में आके पढ़ाए जाएंगे और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उसको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। और ओमान में पढ़ने वाले जो भारतीय छात्र हैं जो CBSE बोर्ड से पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक खबर आ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है काफ़ी ऐसे छात्र हैं उनके पेरेंट्स की जॉब ओमान से चली गई है, उनको जॉब से निकाल दिया गया, उनके बिजनेस ठप हो गए हैं, वो मजबूर हो चुके हैं इंडिया लौटने के लिए और काफ़ी लोग वापस इंडिया लौट चुके हैं और उनके बच्चे जो हाई स्कूल और 12th में पढ़ते हैं यानी 10th और 12th की एग्ज़ाम के खतरे का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनका एडमिशन तो ओमान में हुआ है और ओमान में वो इस समय है नहीं। तो इसके लिए CBSE बोर्ड से और शिक्षा मंत्रालय से एक समन्वय हुआ है कि जो भी बच्चे ओमान में पढ़ाई करते थे इस समय भारत में हैं तो वो अपने नज़दीकी CBSE बोर्ड में जाइए, वहाँ पे अपना लेटर दिखाइए कि भाई ये स्थिति हो गई है जिसके कारण हम वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय और CBSE बोर्ड ने ये बातचीत की है कि जो भी बच्चे वापस से इंडिया आ चुके हैं वो इंडिया में ही बोर्ड के एग्ज़ाम दे दें ताकि उनकी जो साल है पढ़ाई का वो बर्बाद ना हो। रॉयल ओपेरा हाउस ओपन हो चुका है। सुप्रीम कमेटी ने इसकी ओपन होने के बारे में फैसला सुना दिया है कि 17 जनवरी से रॉयल ओपेरा हाउस खुल सकता है दर्शकों के लिए। जो भी जाना चाहते हैं इस शानदार ओपेरा हाउस का आनंद ले सकते हैं, बशर्ते सुप्रीम कमेटी का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको ध्यान में रख करके आप जाइए। जो कर्मचारी हैं लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा वो जागरूक हैं, उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। हर शो के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज किया जा रहा है, जो भी लोग हॉल में आते हैं उनको सैनिटाइज करने के बाद ही हॉल में बैठने की परमिशन दी जा रही है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद मोहम्मद अल सईदी ने सुप्रीम कमेटी के 21वें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि देखिए COVID-19 वैक्सीन का जो हमें वैक्सीन मिल रहा है, जो खुराकें मिल रही हैं फाइजर एंड बायोटेक कंपनी का, ये हम सबसे पहले विश्व में सबसे पहले ओमान को मिली थी। जी हाँ, आपको पता होगा कि ओमान 42 देशों के एक समूह में शामिल हुआ था जो कि कोवैक्स के नाम से जाना जाता था और इन्हीं 42 देशों को ही सबसे पहले वैक्सीन मिली है। ओमान के महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के अथक प्रयास के वजह से ओमान इस कोवैक्स समूह में शामिल हुआ था। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान में बताया कि अब तक हमें 27,300 COVID-19 वैक्सीन की खुराकें मिल चुकी हैं और हमने अपने लक्ष्य जो निर्धारित किया था 82% लोगों को वैक्सीन लगा दिया है, यानी कि 22,749 लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है और फाइजर एंड बायोटेक कंपनी की जो ओमान ने ऑर्डर किया है 3,70,000 खुराकें ऑर्डर किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर जो लोग अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, दूध पिलाते हैं, ऐसी माताओं को टीका लगाने की अभी अनुमति नहीं मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर अध्ययन कर रहा है कि इन लोगों को टीका लगाने से कोई दुष्परिणाम तो नहीं हो जाएंगे, इसीलिए अभी तक इन लोगों को टीका नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही ये अध्ययन पूरा हो जाएगा जल्द ही इन लोगों को भी टीका मिलेगा। ओमान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, निजवा विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मिल करके एक रिसर्च जारी किया है जिसमें ओमान में उग रहे जो लोबान के पेड़ से COVID-19 वैक्सीन के दवाओं के ऊपर शोध चल रहा है। जल्द ही इसका परिणाम सामने आ जाएगा क्योंकि लोबान अपने जो एंटीबायोटिक गुणों के लिए जाना जाता है।